तो दोस्तों आपका स्वागत है इंडियन इंडस्ट्रियल ट्यूटोरियल में। दोस्तों RPL में वैकेंसी यहाँ पर दोस्तों और भी बहुत सारे नोटिफिकेशन है, वीडियो को लास्ट तक देखें। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पर मेल आईडी दिए, सबसे पहले hrhalol@rubaimin.com यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। बात कर लेता हूँ यहाँ पर किस किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी और क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा है। तो यहाँ प्लांट सुपरवाइजर, जहाँ पे क्वालिफिकेशन डिप्लोमा केमिकल BSc केमिस्ट्री मांगा, 0 to 5 year एक्सपीरियंस, मतलब आप अगर फ्रेशर हो तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है दोस्तों। नेक्स्ट है प्लांट ऑपरेटर ITI AOCP, जो फ्रेशर है 0 to 5 year एक्सपीरियंस मांगा है, तो मतलब फ्रेशर के लिए बहुत अच्छा मौका है। या तो आपने ITI किया हो, या आपने डिप्लोमा किया हो, या आपने BSc किया हो, तो बहुत अच्छा मौका है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जहाँ पे दोस्तों ट्रेनिंग केमिस्ट और केमिस्ट के लिए वैकेंसी है, जहाँ BSc केमिस्ट्री मांगा, 0 to 3 year एक्सपीरियंस आपके सामने दिया हुआ, सबका जॉब कोड दिया आपके सामने, आप देख सकते हो। जब आप अप्लाई करोगे तो जॉब कोड साथ में डालना है सब्जेक्ट में। नेक्स्ट बात करूँ ट्रेनिंग सीनियर केमिस्ट और सीनियर केमिस्ट के लिए, यहाँ पर तो दोस्तों यहाँ पर MSc इनऑर्गेनिक्स अप्लाइड एनालिटिकल इंडस्ट्रियल फिजिकल और GC से मांगा हुआ है दोस्तों, 0 to 5 year एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस आपका बताया, जॉब कोड सामने लिखा हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट बात करूँ मैकेनिकल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में वैकेंसी यहाँ पर, जहाँ पर मैकेनिकल फिटर, मतलब IT फिटर ट्रेड से मांगा हुआ है, 4 to 10 year एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, सबका जो है जॉब कोड सामने है। नेक्स्ट बात करूँ इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, दोस्तों यहाँ पर इंजीनियर सीनियर इंजीनियर के लिए वैकेंसी इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में, दोस्तों यहाँ पर डिप्लोमा BE इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल से मांगा है, जहाँ पर डिप्लोमा वालों के लिए 6 to 8 year एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस आपका बता दिया गया है। अगर BBTech किए हुए तो 4 to 6 year एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस पूरा आपको बता दिया किससे रिलेटेड होना चाहिए, वो आप खुद पढ़ सकते हैं। सबका जो है ट्रेड ब्रांच जो कोड है वो सबका सामने दिया हुआ, जब आप अप्लाई करें तो ये सब्जेक्ट में मेंशन कर दें, जिससे आपको इजीली वो खोज पाए कि आप इस ब्रांच के लिए, इसके लिए आप वैकेंसी निकले तो इसके लिए अप्लाई कर रहे हो। और भी वैकेंसी तो इसी कंपनी में, इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पर भी वैकेंसी दी हुई है, जैसे कि यहाँ पर फाउंड हो रहा है कि आप लीड रिसर्च, तो यहाँ पर दोस्तों देख रहे हो BE केमिकल फ्रेशर हैं up to 2 year एक्सपीरियंस, तो दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है मैकेनिकल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, जहाँ पर असिस्टेंट और डिप्टी मैनेजर के लिए वैकेंसी निकली, क्वालिफिकेशन BE BTech मैकेनिकल इंजीनियर, 8 to 12 year एक्सपीरियंस मांगा हुआ, मतलब एक्सपीरियंस और प्रेशर दोनों के लिए यहाँ पर वैकेंसी है। अब बात आती है आप इस लिंक पर पहुँचोगे कैसे, तो आपको सामने एक लिंक दिख रही होगी, आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पर rubaimin.com/CARER, तो यहाँ S, तो यहाँ पर आप इजीली अप्लाई कर सकते हो, ये वाला लिंक है दोस्तों ऊपर। तो नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर देख रहे हो BIS में, तो यहाँ पर बहुत सारे असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट, बहुत सारी वैकेंसीज हैं, Group A, B और C ग्रुप के लिए वैकेंसी है। फाइनली बात करूँ तो यहाँ पे 5 सितंबर से स्टार्ट है और 26 सितंबर तक ये चालू रहेगा। सबके लिए यहाँ क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, एक्सपीरियंस दिया हुआ है, तो आप खुद से देखें। एक्चुअली मैं इसे नोटिफिकेशन को ज़्यादा बताऊँगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जैसे डिग्री मांगा हुआ है, क्राइटेरिया फाइनेंस CA मांगा हुआ है, तो ये सारी वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो आपसे रिलेटिव है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन JT के लिए। नेक्स्ट बात करूँ LA के लिए, तो यहाँ पर देखिए ग्रेजुएशन मांगा हुआ है, 3 year एक्सपीरियंस, स्टेनोग्राफर, बैचलर डिग्री, तो यहाँ पर सारी चीज़ें दी हुई हैं, आपसे रिलेटिव तो अप्लाई कर सकते हैं। अब रिक्रूटमेंट्स का प्रोसेस क्या क्या है, कैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, एज लिमिट क्या है, वो चीज़ यहाँ पर दी गई हैं, मैं वो बता दूंगा कि आप इसको नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगा, वो जानकारी भी मैं आपको दे दूंगा जब आप आराम से इसे पढ़ पाएँ। तो बाकी एज लिमिट के क्राइटेरिया सब के देखो, आप देख पा रहे होगे इजीली सारी चीज़ें दी हुई हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपका क्या क्या टेस्ट में आएगा, कितने मार्क्स किसके जोड़े जाएंगे, वो चीज़ यहाँ पर समझा दी गई है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, तो नेक्स्ट किसके लिए कितना छूट है एज का, वो चीज़ यहाँ पर बता दी गई है, आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट मैं बात करूँ एग्जामिनेशन सेंटर्स क्या कहाँ हैं, तो आप देख सकते हो एग्जामिनेशन सेंटर, ठीक है। ये सारी चीज़ें, अब फाइनली मैं चलता हूँ
कैसे अप्लाई आप कैसे कर पाओगे, फाइनली मैं वहीं पहुंचता हूं। ठीक है, बाकी की आप देखो यहां पे दिया है कि एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन पेमेंट फी फ़ोटो और सिग्नेचर। तो आपको यहां पे इसे रजिस्ट्रेशन करने से पहले कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे फ़ोटो होना चाहिए आपके पास, सिग्नेचर होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए, और आपके सारे डेटा जो बता दी गई हैं यहाँ पर सारे डेटा होना चाहिए। उसके बाद आप अप्लाई कीजिए। आपको अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो आपको www.bis.gov.in पर जाना पड़ेगा। वहाँ पर रिक्रूटमेंट्स ऑप्शन है, उसके बाद करियर अपॉर्चुनिटी, वहाँ पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। मैं और भी बता दूंगा आप कैसे पहुँचोगे। ठीक है, तो यहाँ पेमेंट फीस कैसे पे करनी है वो सारी जानकारी यहाँ पर दे दी गई है। ये बहुत डिटेल में बताया गया कि सिग्नेचर कितने KB के होने चाहिए, तो वहाँ पर अपलोड हो पाएगा इजीली। मैं आपको दिखा देता हूँ आप इजीली यहाँ पे कैसे पहुँच पाओ। आपको अगर इजीली पहुँचना है तो आप देखो, आपको इतना बड़ा ये लिंक गूगल पर सर्च करना होगा, उसके बाद आप डायरेक्ट पहुँच सकते हो। वरना आप करियर में जाके तो इजीली पहुँच ही सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पर आपको इस तरीके का ये रिक्रूटमेंट्स अप्लाई ऑप्शन दिख जाएगा, वो नोटिफिकेशन, ये ऊपर वाला नोटिफिकेशन है, और यहाँ से आप अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो आप इसे प्रेस करके इजीली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नया नोटिफिकेशन लेके फिर से हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके और सेलेक्ट लो, जिससे आपको नोटिफिकेशन इजीली मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।